तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज सुबह का अभी भी मैं ड्यूटी करके आया था नाइट शिफ्ट में, तो 36 घंटे हमारा चलता रहता है यार। हम आपको एक ही बात कितना बताएंगे, हमारा नाइट शिफ्ट एक दिन बाद एक छोड़ छोड़ करके चलता रहता है, और आज भी चल ही रहा था। आज भी हम सुबह सुबह आए नाइट ड्यूटी करके, और सुबह खाना वाना खा के फिर चले जाएंगे 1 घंटा के लिए आए। तो अभी 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 आए हैं, देखते हैं अब खाना वाना नहीं बना था अभी कहीं से। खाना वाना बस सब चीज़ तैयार व्यार कर दिया ना, हर चीज़ खाना वाना तैयार कर, सब्ज़ी नहीं बनाई थी तो बोले क्या बाबू सब्ज़ी तो बनाई नहीं हूँ, क्या करूँ। मैंने कहा जैसे तुम्हारी इच्छा देख लो। तो गई कि हम दूध ले जाती हूँ और दूध रोटी खा लेना सही रहेगा, कि सब्ज़ी बनाने में हमको समय लग जाएगा तो फिर थोड़ा टाइम निकल जाएगा, तुम भाग जाओगे ड्यूटी चले जाओगे भूखे। तो उसने कहा कि मैं ऐसा काम करती हूँ, मैं दूध ले आती हूँ, तुम दूध रोटी भर पेट खा लेना, अपना चले जाना, कोई दिक्कत नहीं, दोपहर में आओगे तो खाना बना ही रहता है। मैंने कहा ठीक है जैसे तुम्हारी इच्छा। तो अभी गई है दूध लाने के लिए, दूध लेके आएगी फिर आपसे मिलाएंगे उसको। सही बात बोलूँ तो बहुत पगली है वो, मतलब हमसे इतना प्यार करती है ना, इतना प्यार करती है ना दोस्त कि हम क्या बताएं। अब उसके बारे में हम तारीफ नहीं करना चाहेंगे, लेकिन इतना आपको बता सकते हैं कि तो बहुत ज़्यादा प्यार करती है। मैंने उसको समझाया, मैंने बेचारी अगर ना आऊँ ड्यूटी से, अगर घंटा लेट हो जाता हूँ ना तो फिर परेशान होने लगती है। अगर मैं 5 मिनट भी कंपनी से अगर लेट हो गया ना दोस्त, तो कॉल पे कॉल इतना घुसा देगी ना, कहाँ हो आए नहीं हो, कहाँ हो आए नहीं हो, इंतज़ार कर रही हूँ, खाने में बैठी हूँ, तो फलाना ढकाना ढिनका ये नहीं है वो नहीं है ढिनका, मतलब बहुत सारा बात बोलने लगेगी। मतलब 5 मिनट वेट नहीं कर, इंतज़ार नहीं कर पाती है, और घर आते साथ उलो बस परेशान है, क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा, आ गई है दूध लेकर के, और ये रहा मेरा खाना तैयार कर रही है। आह है आओ देखो आपके लिए कर रही है तैयार। अच्छा ठंडा पानी दे, पानी भी गर्म हो। ये बेचारी सब्जी देखो, यहाँ इतनी रात का सब्जी बना के छोड़ के रखा था मेरे लिए, इतना बाबू खाओगे, हमको इतनी वो सब्जी में खाने वाला है। ऊँट के मुंह में जीरा का फोरन। सोए नहीं थे ना कंपनी में? सोया था आज आपके आँखें चली। अरे 2 घंटे सोया था। खा लीजिए चलिए। अब मैं रोटी भी खा रही तो खा लेता। क्या मैं भी जा रही हूँ रोटी खाने के लिए, भूख लग रही है। अच्छा जल्दी से खाना खा लेता, मेरे को बहुत भूख लगती है। चलता हूँ दोस्त खाना खाने के लिए। मेरी वाली आँखें सूज रही है ना, इसमें कांटे कांटे से चुभ रही है अंदर। वही जो एक बार मैं पहले बताती थी ना, ये लांगे बोलती थी, अब वो लांगे तो नहीं बोलती थी। इसी में तो हो रहा है सूजन। अच्छा देख रहे नहीं सूजन है, सूजन हल्का सा पता नहीं चल रहा, पता नहीं चल रहा दिखता है। क्या दिखता है? आँखों से ही सारे आँखों से। आँखों से क्या दिखता है? चार कोस दूर एक्स्ट्रा धुंधला धुंधला दिखता है। अच्छा अच्छा अब साफ दिखता है। अच्छा अच्छा उल्टा। अरे चल जल्दी से खाना निकाल ले, जल्दी से खा ले खाना ना खा के निकल। आएगा तो सुबह करेगा ना काम यहाँ तो। अब लगे आएगा तब ना करेगा, अगर कर लेगा तो लगा दूंगा अपना आराम से दोनों जने। लगा दूंगा तू लगाएगी? हैं आप लगा दो हम लगा देंगे, तो लगा दूंगा कौन लगा दूंगा। तो मैं कह रही हूं आपको मतलब मुझसे निकल गया कि लगा देना लगाऊंगा, गलत बोला था मैंने बट, लेकिन मुझे बोलना चाहिए था कि आएगा तो लगा देना। अब आएगा तब देखते हैं ना, वहाँ पे भी काम वाम नहीं चल रहा, अगर करेगा तो पूछ लूंगा, मुश्किल है कर पाएगा, चलता फिरता आदमी है ना हमेशा। लेकिन वही आप रहते तो आपसे बाबा बाबा करके बोल, बाबा बाबा करना जरूरी है, घर में अपना खाओ अपना सही से रहो आदमी का। आज इस कढ़ाई में बनाई है, देखो लो कहाँ बनाई है, कब बनाई है? भुजिया। कैसा भुजिया देखें आज? पत्ता गोभी सब्जी थी ना। हाँ बंद गोभी ज्यादा गला दिया आज बंद गोभी। अरे इस वाले कढ़ाई में बनाई आज। अच्छा उस पे बना नहीं पाई, इसी में बनाई है। चलो कोई बात नहीं, खाना इसी में कलर ऐसा उसमें अच्छा बनता है। चलो बढ़िया ना है। क्यों मोबाइल क्यों ना पकड़ो? मेरी सुना तुम्हारी सुनू, खाली सुनते रहूं तुम्हारी जिंदगी कट जाएगी इससे।
सुनते रहूं तुम्हारी तो, थोड़ा सुनोगे तो कब तक ना सुना जरा बता, ये 4 सालों से तो सुनता ही आ रहा हूँ। अभी और सुनूंगी। क्या सुनूंगा, एक साल जरूरत ना है सुनने की। फिर आप चलो चलो चलो। अरे हाँ, मेरा वो दवाई रखा हुआ था ना, वही वाला कल उस दिन वाला ना है वो खाने खुजली वाला वो वाला दवाई है ना, खा लूंगा। हाँ तब सोऊंगा, तब नहीं और सोऊंगा दवा करके। नींद की दवाई है ना। तो दोस्तों आ गए हैं कंपनी से घर और खाना खाने का टाइम हो गया है, तो अब जा रहे हैं खुद खाना ना खाएंगे। तब तो बनाई है आज मेरी मोहतरमा मेरा मोहतरमा बोलते हैं मेरी प्यारी सी नुन्नू सी पुन्नू सी चुल्लू चुल्लू कुट्टू बच्चो सारी बुढ़िया हो गई, दांत में झड़ गए यार बुढ़िया बुढ़िया है बुढ़िया हो गई है। अब तो ऐसे मजाक से बोल देता हूँ, लेकिन आज खाना बनाई है अंडा चावल और अपने बनाई है रोटी। देखो रोटी सेक रही है कल दिन वाली, मतलब रात में रोटी नहीं दो को बना सकती थी है? अरे ये अभी बना कोई बात नहीं फ्रेंड्स, हमें मतलब हम फालतू फेंकना नहीं है, एक एक रोटी के लिए लोग रोड पे जो रहते हैं उन्हें कितनी दिक्कत होती है। आप ये बोले ना, आपको कल की वीडियो या परसों की वीडियो हम क्या बोले थे, आपको नॉलेजेबल वाली बातें हमेशा इनके मुँह से सुनने को मिलेगी। शायद आपके पास ज्ञान का अगर कमी हो तो इससे थोड़ा सा वीडियोज का देख कर ज्ञान थोड़ा सा ले लिया करो। ये स्पेशल बंदा हमारे घर का ज्ञान देगी, तुमसे बड़े बड़े यहाँ ज्ञानी बैठे हुए हैं। गलत बात है ना, अभी हमें फेंक देंगे और इसके एक रोटी की भूखे कितने लोग तड़प रहे हैं। हाँ वो बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन सबको सुबह की रोटी ये बात सबको समझ में आती है। सुबह की रोटी अभी अगर हम खाएंगे तो बासी नहीं कहलाएंगे, रात की रोटी बासी। हाँ चलो डायलॉग मारेगा, रात में अगर 9 बजे वो अगर रोटी बनाए ठीक है, और सुबह में अगर 9 बजते खाते हैं तो वो बासी हो जाता है, और दिन में अगर 9 बजे रोटी बना करके खाओ और शाम में रोटी तो बासी नहीं कहलाता है। ये है जनरल नॉलेज, इनसे सीखो। ये आदमी हमारे घर के हैं, ढक्कन आदमी ऐसी ऐसी बात बोलेगी कि आपको समझ से कुछ दूर से आपको मतलब कि लगी जाएगा कि हाँ मतलब कुछ अलग ही बात बोल रही है। ये देखो मेरा चावल और आपको एक सरफराज देगी। सरफराज बता बता कौन सरफराज देगी तू हो हाय रे खड़ा भी नहीं रह पाती है। अच्छा गिरेगी, देखो सब बर्तन देखो सारा खाना यहीं पर छिड़िया करके यहीं पर खड़ी है। ठीक है तो बाल बाल का कोई दिक्कत आई है, खाना खा लो है ना। आज मेरी छोटी है देखो कैसी बुढ़िया की तरह, वो तो शुरुआत से लग रही है तेरी खाली बाल ही तो नहीं पके, खाली बाल ही तो नहीं पके हैं, बाकी सब तो बुढ़िया वाला सिस्टम हो गया है। तुझे लगा पहली बात ना आता है, सही बात छोटी बनाना आता है, आज से तुम्हारी जिम्मेदारी तेरी चोटी। मैं चोटी और सब लड़कियों को देखता मैंने, ये कितने लोगों को देखा मैं चोटी बहुत अच्छी कूदती है, लेकिन तेरे को आज तक मैंने नहीं देखा तेरे बालों में चोटी अच्छी कूदती है। मैं करती अच्छी करती हूँ लेकिन तुझे आती नहीं है, ईमानदारी वाला बात बोलना है, तुझे आती है? आती तो नहीं है देखा खुले बाल रखती थी ना पहले, मम्मी भी बांधती थी मैं भी बांधती थी, लेकिन मेरे से बांध नहीं पाती थी। मम्मी बांधती थी फिर मैं खोल लेती थी, मम्मी कह रही तेरे बाल कभी नहीं बढ़ेंगे। फिर इसी का ये अपना बाल को तो हमें तो खुला रखती है, जैसे बांध अब चोटी बांधने के लिए बोलते हैं, चोटी बांधने के चक्कर में चोटी ऐसे ऐसे बांध करके छोड़ दिया। हाँ हो गया ना बस काफी है, तो कैसी चोटी करती तो भाई तुम्हें आता ही नहीं है, तो हंसेगा नहीं सब, कोई भी हंसेगा भाई। ये चावल चिपकता बहुत है हाथ में, कोई दिक्कत नहीं चिपकना ही चाहिए। जल्दी से खाना, ओहो रोटी प्लेट में रह सकती थी वहाँ रखी है, है? फिर प्लेट भी लाना पड़ेगा। ये देखो देखो बोली क्या अंडा मंगाए है, अब मंगाए क्या है देखो, मंगाए सारे ने 500 रुपये भेजे थे देखे यार, आदमी का भी ना तुमने है ना झूठ बोलना सीख लिया क्या? तुमको बोला अंडा मंगाए, नहीं मैंने ये नहीं बोली थी, मैंने पूछा था क्या मंगाओ अंडा,
आपने कहा था अंडा बनाने, तो फिर मैंने कहा अंडा नहीं मैं जाके सब्जी। जोर से बोला कर, आवाज ना आए मुंह में। आपने कहा था कि अंडा बना ले, तो मैंने कहा अंडा नहीं बना रही हूँ मैं जा रही सब्जी लेने। तो आपने कहा था ठीक है। इतनी आवाज में बोला कर, नहीं 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 नाक से मत बोला कर। ओके। हाँ, नाक से बोलने की गंदी आदत है जो। तो हम टी शर्ट कहाँ से लाएंगे? एक और पहन लो, हाफ बाजू का। क्यों सारे? अभी ठंडा का मौसम, तो पता ना है। तो फुल बाजू का पहन लो। फुल बाजू का, फुले बाजू का तो पहने हुए हैं अभी। इससे पहचान होती है ना? क्या इससे पहचान होती है? ऐसी वीडियो बनाई, उसके वीडियो बनाए। यहाँ भी तो और भी तो काम ना है, है? तुम्हें बस खाना खाओ, अपना चद्दर हो जाए। देखो हाथ कैसा हो गया, देख तो। ये बाबू सही बात है, हाथ कैसा हो गया देख। तो अपना हाथ मिला, मेरा हाथ मिला, ऐसे तरत्ती रखना। तुम्हारा हाथ देखा, मेरा हाथ देख। आपका इससे भी तगड़ा चमकता है। ऐसा हाथ लग रहा है, काला काला लग रहा है ना, काला काला हो गया है। क्या करें, काला कार्बन का काम होता है ना। काम से हुआ है, है ना? नहीं तो ऐसे चमकते है। दो दिन घर पे रहते ना, मेरे से भी अच्छा हाथ हो जाता है, साफ हो जाता है। क्या करोगे? देखो कैसा हो गया पैर। अरे ये कैसा हो गया बाबू, ये तो पूरा पानी लग लग के ना। तो दोस्तों अभी इसको इसको ये नहीं पता कि सुबह 10 रुपया इससे हम लेके गए थे और हम नाइट लगाए तो हमें 100 रुपये मिलता है रोटी का पैसा है। अब इसको 50 रुपया वापस कर दिए हैं, तो इसको बुझाते नहीं है कि 10 रुपया में 50 रुपये के अंदर। बेचारी तो आज दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाती है। अरे हमको पहले ऊपर खींचती थी, हल्का सा हमको हमको कहते जोर से ऐसे ऐसे खींचती थी हमको, और हम कोई दिक्कत नहीं बर्दाश्त हो जाता है इसको इसको, है ना? अरे ना इसको बर्दाश्त नहीं होता है, बता थोड़ा सा। अरे रोने लगे हैं, क्या हुआ? ये तो अंदर से खाल खींच गया बहुत। खाल खींचा? अच्छा अच्छा, अंदर वाला बेचारी का थोड़ा सा क्या गाल खींच दिया इसको। हाँ, अंदर का पूरा गाल खींच दिया महाराज। और जब हम सोएंगे ना, जैसे बगल में अगर सो जाते हैं कभी कभी, तो बउआ हमारा खींचता है तो नहीं बुझाता है, इसका हल्का से खींचती जी 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 जी। मेरा शरीर अब कितना मोटा हो गया, क्या करूँ? कहाँ मोटी है रे, सही में गेंडी होते जा रही है ना। पानी वाला गेंडी। देखो कतर से नाखून मारा, अभी ध्यान छिल गया, देखा छिल दिया ना, नहीं दिख रहा हुआ, थोड़ा सा निशान आ गया। ये मार दिया नाखून, पहले का था नाखून मारे, झूठ बोल रहे, पहले का था फ्रेंड। अरे कंपनी था, लग गया था चोट भाई, मैं बता रहा हूँ। अभी इसने छुआ तो मुझे दर्द हो गया था, मुझे एहसास हुआ कि चोट लगा। अरे चोट उट लगती रहती है यार, क्या करें अभी क्या होता है, इतना ज़्यादा मूड खराब होता है। अभी मैंने कितनी बकबक बकबक की, सारी बातें आप लोगों से अपने दिल की बात शेयर कर दी, और वीडियो कैमरा ऑन ही नहीं किया मैंने। बाद में हमने भी देखा कैमरा ऑन नहीं, इसने भी देखा कैमरा ऑन नहीं, बाद में दोनों टहस रहे हैं, आज दूसरी शक्ल देख के हंस रहे हैं। तो दोस्तों ऐसा होता है कि जैसे कि हम कंपनी में नहीं चले जाते हैं ना, तो मेरे इस मोबाइल में दो आईडी मैंने बना रखा है। इसी आईडी का एक मेरा पर्सनली मोबाइल उसमें भी डाल रखा है, और इस मोबाइल में भी आईडी डाल रखा हूँ। तो उसमें होता क्या है कि जब मैं इसमें वीडियो डाल देता हूँ ना, पब्लिक करी चला जाता हूँ ना, ठीक है, तो एक घंटा जैसे कंपनी मिला, आधा घंटा समय मिला, तो मैं उस मोबाइल से आपका टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैक्स, सारी चीज़ों को मैं फिल करके, मैं पूरा भर करके मैं उस वीडियो को पब्लिक करता हूँ, ठीक है। तो प्रॉब्लम हो जाती है थोड़ा, कभी कभी नहीं मिलता, 10 बजे पब्लिक करता हूँ, कभी 9 बजे पब्लिक करता हूँ, कभी 8 बजे पब्लिक करता हूँ, लेकिन करता हूँ सुबह के ही टाइम पे, या ना कि मतलब कि दोपहर के टाइम में से या शाम के टाइम में, वीडियो हम नहीं डाल पाते हैं।
क्योंकि यार फिर उसके बाद हाथ जब घिरता है ना काम में तो समझ लो कि बस फुर्सत ही नहीं मिलती कभी कभी। आज मैं नाइट लगा करके आराम से आ गया, और कल नाइट लगाई थी तो आज दिन भर ड्यूटी किया पूरा 12 घंटा, अब घर चलाया अपना खाना वाना खा के रेस्ट कर रहा हूँ। कल फिर लग जाएगी मेरे को नाइट, कल फिर एक नाइट है हमारी। तो मतलब एक दिन बीच करके हमें नाइट लगती ही लगती है मेरी कंपनी में, क्योंकि काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा है और डिमांड इतना ज़्यादा है कि हम लोग मतलब कंपनी है ना उसी लड़कों को रख रखी है जो मतलब काम को अच्छे से करके देते हैं, तो इसी कारण उसमें से हम भी आ जाते हैं और हमारे 3 लड़के हैं दोस्त हैं वो भी इसमें आ जाते हैं, तो सब मिल के आपस में मिल के काम करते हैं दोस्त, जो बात है क्लियर करता हूँ वो भी। तो चलिए ज़्यादा कुछ नहीं, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, भाई को सपोर्ट कीजिए और थोड़ा सा हेल्प कीजिए दोस्त, क्योंकि आपका भाई आपसे मदद मांगता है, चाहता है कि आप लोग मेरी मदद करो। तो चलिए ज़्यादा कुछ नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अलविदा लेते हैं, बाय बाय तो करते हैं। बाय बाय फ्रेंड।